हाय गाइस, मेरा नाम है तेजस और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है टेक्नोफोबिक। और आज हम बात करेंगे एक वाईफाई डोंगल के बारे में जो है एयरटेल की तरफ से। जी हाँ, मैंने एयरटेल चूज़ किया है क्योंकि ऑलरेडी मेरे फ़ोन में जियो है, मेरे पास एक BSNL का कार्ड है, मेरे पास वोडाफोन है, तो एक एयरटेल ही था जो बचा था। और एयरटेल एक में वो ऐसी सर्विस है जो कोंकण साइड में चलती है, और अगर आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हो कोंकण की तरफ या फिर गोवा की तरफ, तो मैं कहूँगा एक एयरटेल एक अच्छा चॉइस बन जाता है। जियो चलता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आजकल सभी लोग जियो की तरफ यू नो मूव ऑन हो गए हैं, तो उसके कारण जियो का जो बैंडविड्थ है वो मुझे पर्सनली थोड़ा कम लगने लगा है। लेकिन एयरटेल के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो कनेक्शन है, वो थोड़े कम हैं, और जिसके कारण एयरटेल बहुत ही अच्छा चलता है कोंकण में। तो गाइज, मैंने ये डोंगल एक लोकल शॉप से ख़रीदा था क्योंकि मुझे वो ऑनलाइन जाके पूरा उसका डिटेल्स देख के एंड वो कभी आएगा, उसकी डिलीवरी थोड़ी डिले हो रही है, और लोकली आपको थोड़ा चीप में मिल जाता है। मुझे ये 3000 में मिला और इसके साथ मुझे 1.5 GB पर डे वाला प्लान 5 मंथ्स के लिए फ्री मिला है। तो यस, मैंने एक कार्ड भी ले लिया है, तो मैं इसको एक प्रीपेड की तरह यूज़ करूँगा। एंड तो जबकि ये प्रीपेड ही है बट इसके लिए एक सिम कार्ड भी लगेगा, तो कार्ड भी ख़रीद लिया है। और ये जो डोंगल है, इसकी जो स्पेसिफिकेशंस मैं बोलूँ तो ये वाईफाई 2.4 GHz सपोर्ट करता है, जो कि मुझे लगता है एक नॉर्मल काम करने के लिए, टीम्स मीटिंग्स ज्वाइन करने के लिए बहुत ही सफिशिएंट रहेगा। 300 आवर्स का स्टैंड बाई टाइम है, तो अगर आप इसे चार्ज करके यूज़ नहीं कर रहे हो तो 300 आवर्स तक ये स्टैंड बाई में रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें 2300 mAh की बैटरी है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी सफिशिएंट होगी एक पूरा दिन आपको वर्क फ्रॉम होम अगर आप कर रहे हो तो पूरा दिन आपका इस पर निकल सकता है। तो गाइज, हम क्या करेंगे कि इसे हम अनबॉक्स करेंगे, जबकि ये पूरा सील्ड पैक है और ये कार्ड भी मैंने अब तक इसमें इंस्टॉल नहीं किया, तो हम इसे इसकी बैटरी इंस्टॉल करेंगे, इसका कार्ड इंस्टॉल करेंगे और फिर देखेंगे इसकी जो नेटवर्क स्ट्रेंथ, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है। ये बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। और गाइज हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये एक सिंगल डोंगल पर आप 10 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। ऑफकोर्स स्पीड थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन 10 डिवाइसेस एट अ टाइम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, लेट्स अनबॉक्स दिस डोंगल और देखते हैं इसमें क्या है, एंड देन विल फॉलो विद द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। हालांकि मैं वहीं पे खोल के देखने वाला था, लेकिन मुझे इसका रिव्यू बनाना था तो मैंने अनबॉक्स नहीं किया। तो इस बॉक्स के अंदर वी गेट दिस डोंगल इट्सेल्फ एंड इसके साथ इसका एयरटेल का माई यूज़र मैनुअल है जो हमें कॉन्फ़िगर करते वक्त लगेगा। एंड इफ़ यू सी क्लोजली, यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द बटन्स ऑन द डोंगल। सो वी हैव सिग्नल इंडिकेटर, कनेक्शन इंडिकेटर, वाईफाई इंडिकेटर, WPS इंडिकेटर, बैटरी एंड USB पोर्ट। सो इट्स प्रिटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड आई थिंक वी ऑल्सो गेट अ SD कार्ड स्लॉट, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो इफ यू कैन जस्ट इंसर्ट योर SD कार्ड, सो यू कैन यूज़ दिस एज अ पेन ड्राइव एज वेल, सो दैट इज़ गुड। एंड पावर की, USB पोर्ट, सो प्रिटी मच एवरीथिंग इज देयर। एंड दिस आर द सिग्नल इंडिकेटर्स, आई मीन द सिग्नल इंडिकेटर विच शोज़ द स्टेटस स्टेट। तो आपको ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, तो इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट रिफर टू दिस मैनुअल विच इज़ वेरी गुड। सो दिस इज़ द केबल विद द USB एंड इट्स प्रिटी मच यू नो द सिमिलर USB विच वी गेट विद द फोन्स एज ऑफ नाउ। और ये है उसकी बैटरी, लेट्स सी बैटरी। ओके, तो ये है 2300 mAh की बैटरी। सो लेट्स ओपन दिस डोंगल, लेट्स क्विकली इंस्टॉल इट एंड सी। सो आई थिंक इसको ऐसे यहाँ से निकाल के कनेक्टेड द डिवाइस, एंड इफ यू सी द सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ हियर, इट्स ब्लू, सो इट्स अ वीक सिग्नल बट स्टिल यू नो आई मैनेज टू कनेक्ट टू दिस। सो इफ यू कैन सी माई iPad, सो I have connected the Airtel My Wi-Fi and
AM, this is the SSID of this particular dongle. So I just tried to do a speed check, and let's do it once again. So fast.com. So it was, if you remember, it was just a blue weak signal, and if you see that it's almost 8.5 Mbps, which is very decent speed. And I'm sure if I get a green signal on those dongle, I think that it would be more than 10 Mbps. Let me try to check if I can the dongle outside my window, and let's do a retest. Let's see, you know, what's the speed now. If it is a green signal, there you go, it's 14 Mbps, as I said. So 15 Mbps, 19, 22, 27. So guys, if you get a green signal, then you are like good to go with somewhere near to 30 Mbps, 25 to 30 Mbps. So guys, if you need to do any settings with your Wi-Fi, like you want to change your broadcast name, the SSID name, you can just quickly go here and log into this 192.168.1.1 and click on the VLAN basic settings. And like you see, the SSID which I changed to now is Tejas Wi-Fi dongle, and you can set your own pre-share key so that, you know, it's more secured. So if you want to do any settings over here, and if you are aware of this particular settings, then it's a good thing, or else don't play around with this settings, because this might lead to resetting your dongle. So suppose, just in case, if you tend to forget the login ID for the 192.168.1.1, you can reset your dongle to the default one. Here there is a button called reset. You can just press power on the dongle and keep holding this for like 10 to 15 seconds, and the dongle would be reset to the default settings. सो गाइज, दैट वॉज ऑल अबाउट दिस एयरटेल डोंगल. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब माई चैनल. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दिस डोंगल, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो बिलो, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज. सो गाइज, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यू हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.